योम असतजा के मौके पर आज बिहार के मशरक चंपारण में रियासती शिक्षक संघ के ज़िला इकाई ने एक प्रोग्राम मुनक्किद किया और हुकूमत के सामने अपने मुतालबात रखे। साथ ही संघ ने वार्निंग दी कि अगर हुकूमत इंतखाबात से कबल उनके मुतालबात पूरे नहीं करती है तो सभी असतजा अपने ख़ानदान और दोस्त अहबाब के साथ इस हुकूमत की मुखालफत में वोटिंग करेंगे। इस मौके पर शिक्षक संघ के जरिए किए जाने वाले आइंदा प्रोग्राम की भी इत्तला दी गई। साथ ही प्रोग्राम में मौजूद सभी असतजा ने हलफ भी लिया। पेश है एनएन न्यूज़ नुमाइंदे अहसन ज़िया की ये रिपोर्ट। चलाते आ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग 29 तारीख को कार्यक्रम किए, 29 को किए पुतला दहन, आज 5 को कार्यक्रम है। आज के बाद जो हम लोग का कार्यक्रम है जन जागरण अभियान चलाने का। अब हम लोग सोशल मीडिया पर थोड़ा हावी होंगे और आज से कल से निश्चित रूप से कल से हम लोग 5-10 के ग्रुप में कहीं जमा हो ही जाएंगे। जैसे गांव में है तो गांव में किसी घर पर खड़ा हो जाएंगे और वहां फोटो खींचेंगे और लिखेंगे कि शिक्षक संघ बिहार के बैनर तले आज तमाम शिक्षक अमुक प्रखंड के अमुक जिला के अमुक गांव में भ्रमण करके घर घर जाकर लोगों को जन जागरण करते हुए लोगों को शिक्षकों के प्रति हो रहे अन्याय को बताते हुए और सरकार के विरुद्ध वोट देने के लिए लोगों को मोटिवेट करते भैया लिख करके उसको फोटो बनाएंगे और उस फोटो को जारी करेंगे। ऐसा हम लोग कल से करेंगे और कल परसों में हम लोग राज्य और जिला की एक बैठक भी करते हैं संयुक्त और उसके बाद पुनः हम लोग अगली रणनीति बनाएंगे कि आगे अब क्या करना है, क्योंकि इतना लंबा टाइम है कुछ ना कुछ करना होगा। सीधे चुपचाप शिक्षक संघ बिहार के बैनर तले हम सभी शिक्षक शिक्षिका संकल्प लेते हैं कि कोरोना संकट के कारण विद्यालय बंदी होने से बाधित होने वाले पढ़ाई को हम विद्यालय खुलने पर विशेष शिक्षा देकर एवं उन पर विशेष ध्यान देकर उनके पढ़ाई को पूरा करेंगे। हम दूसरा संकल्प लेते हैं कि हम करेंगे पूरा काम काम करेंगे पूरा दाम अर्थात हम विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनका चतुर्दिक विकास करेंगे। साथ ही चुनाव जनगणना आदि कार्य भी करेंगे। इसके लिए हम पुराने शिक्षकों की तरह पुरानी सेवा शर्त एवं पूर्ण वेतनमान लेकर रहेंगे। सरकार जन जागरण अभियान चलाएंगे, सभी लोगों को शिक्षकों के साथ हो रहे अन्याय को बताकर विधानसभा लोकसभा के चुनाव में सरकार को हराने का काम करें।